अफजा के लिए अच्छी खबर है। पार्ट टाइम सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर एजाजी तनख्वाह अलग से मिलेगी। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में असातिज़ा को 18 से 20 हज़ार तक एजाजिया मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने एजाजी तनख्वाह देने की मंजूरी दे दी है। मिडिल स्कूल के हेड को 18 और टीचर को 15,000 रुपए एजाजी तनख्वाह दी जाएगी। हाई स्कूल के हेड को 20,000 और टीचर को 18,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, असातिज़ा को एजाजी तनख्वाह भी दी जाएगी? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हुकूमत पंजाब अब आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और इसके लिए जिला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी थी। अब कैबिनेट कमेटी बनाए खजाना ने जो सरकारी असातिज़ा हैं उनको पार्ट टाइम पढ़ाने पर उनको एजाजिया तनख्वाह देने की बाकायदा मंजूरी दी है। इसमें जो हेड टीचर होगा अगर किसी एलिमेंट्री स्कूल का तो उसको 18,000 रुपये माहाना उसको एजाजिया दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो एलिमेंट्री स्कूल का एक टीचर होगा उसको 15,000 रुपये एजाजिया तनख्वाह के तौर पर उसको दिया जाएगा जो आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में पढ़ाएंगे। अब इसके साथ ही जो हाई स्कूल है वहाँ पर 20,000 से 18,000 तक करंट दी जाएगी है, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ जो है अगर आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में आता है तो उसको 7,000 रुपये माहाना एजाजिया दिया जाएगा। और ये वो असातिज़ा होंगे जो कि सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ा रहे होंगे लेकिन पार्ट टाइम में अगर वो आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके तहत उनको ये इजाफी एजाजी तनख्वाह दी जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर उनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती और हुकूमत पंजाब के पास फंडिंग नहीं है तो लिहाजा आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू करके शाम में 6 क्लास से लेकर 10 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो असातिज़ा पढ़ाने आएंगे तो उनको एजाजी तनख्वाह उनको दी जाएगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका।